देखिए, हमने 1 kg आटा ले लिया है, 350 ग्राम चीनी और 4-5 इलायची सुगंध के लिए ले लिया है, और इसको हम इलायची को उसमें कूट लेंगे। अब एक बर्तन में 2 कप पानी डालेंगे, देखिए 1 कप हो गया और दूसरा कप लेंगे, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। अब इस पानी में हम चीनी को भिगो देंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि ऐसे हम नहीं गूंथ सकते हैं, और इसको अच्छी तरह चम्मच से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा चीनी तैयार हो गया है। अब आटा में हम 2 चम्मच रिफाइन तेल मिला लेते हैं अच्छी तरह, ज़्यादा डालेंगे तो खस्ता हो जाएगा, इसलिए हम बिना खस्ता वाला ठेकुआ है तो 2 चम्मच इसमें रिफाइन डालेंगे स्वाद आने के लिए। अब इसको अच्छी तरह हम मिला लेते हैं, ये देखिए देखिए अच्छी तरह मिलाना है इसको रिफाइन को, और मिला करके हम जो ये इलायची है इसको भी डाल देते हैं, कूट करके, कूट लिया है मैंने। अब इसको हम जो ये चीनी वाला घोल है अब इस पानी में हम डालते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह इस आटे को हम गून लेते हैं आटे की जैसे चीनी का, और थोड़ा सा टाइट ही होता है ये तो ज़्यादा गीला होगा नहीं। और इसको देखिए अच्छी तरह से हम गून लिया आटा, गून के तैयार हो गया आटा हम लोग का। अब इसको हम बनाते हैं, फुल गैस कर लिया है और कढ़ाई बैठा दिया है। अब इसमें हम रिफाइन डालेंगे, ये देखिए ये देखिए, ये आप कभी भी झटपट बना सकते हैं नाश्ता, बच्चों के लिए कोई भी खा सकता है, इतना नरम लगेगा ना, आप एक बार बना के देखिएगा तब आप बताइएगा। ये देखिए छोटा सा गोल ले लिया है, अब इसको हम थोड़ा सा रिफाइन में बेलेंगे ऐसे, ये देखिए हम लोग का ऐसे बेल लिया, ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, एकदम मीडियम, पतली हो जाएगी तो पूरी हो जाएगी, मोटा हो जाएगा तो कच्चा रह जाएगा, इसीलिए। और धीमी आँच पे, जब तेल गर्म हो जाए तो हम आँच को धीमी कर लेते हैं, धीमी आँच हमने कर लिया है। अब ये देखिए धीमे धीमे ये पकता रहेगा ताकि कच्चा ना रह जाए। इसको आप सोच रहे होंगे कि खस्ता वाला ठेकुआ क्या है, मैं कब से बोली जा रही हूँ, खस्ता वाला ठेकुआ वो है जैसे मैंने 1 kg आटा में 1 पाव रिफाइन तेल और नहीं तो घी मिक्स करते हैं, उसके बाद में वो होता है खस्ता वाला ठेकुआ। इसमें तो मैंने 2 चम्मच ही रिफाइन डाला है ताकि खस्ता ज़्यादा ना हो। और ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, लाल हो जाए तो सोच लीजिए कि ये हम लोग का तैयार हो गया। देखिए ये देखिए अब एक हम बर्तन निकाल लेते हैं, इस ठेकुए को हम जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो भी खा सकते हैं, मतलब बहुत स्वाद लगेगी खाने में। और तब तक हम दूसरा भी उसी तरह निकाल लेते हैं, ये देखिए दूसरी भी उसी तरह, देखिए देखिए निकल रही है। और इसको इसीलिए तो मैंने खस्ता इसमें बहुत कम डाला है ताकि बिस्कुट जैसे ना लगे, आप तो खस्ता वाला ठेकुआ खाए होंगे और जो बिस्कुट जैसा लगता है, ये तो बिस्कुट जैसे बिल्कुल नहीं लगेगा, ये तो बिल्कुल नरम ठेकुआ आपका लगेगा, जो कि घर में सब खा सकते हैं, या कहीं बाहर सफ़र के लिए जा रहे हैं इधर भी, घर में बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए उधर भी ले जा सकते हैं, ये 2-3 दिन तक आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, बड़े को, कोई भी ये खा सकता है, कोई मतलब खराब नहीं, खराबी नहीं करेगा। ये देखिए हमारा ये ठेकुआ भी बनके तैयार हो गया है, ये देखिए अब इसको भी एक प्लेट में हम इसको निकाल देंगे। आँच तो भी ध्यान रहे, आँच बिल्कुल धीमी तलना है, तेज नहीं करना है, नहीं तो ये ठेकुआ आपका कच्चा रह जाएगा। अब देखिए ये लाल हो गया ना, अब इसको हम एक प्लेट में निकालते हैं, जो कि हम जैसे निकाला था। अब हमारा ठेकुआ ये देखिए बनके तैयार हो गया है, इसको आप नाश्ते में बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी दे सकते हैं। और इतना देखिए 1 kg आटा में मैंने इतना सारा ठेकुआ बना लिया है, आप भी इसको बना के देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक।